आईएमएफ के साथ एक और प्रोग्राम के बगैर गुजारा नहीं। नए प्रोग्राम का दौरानिया 2 से 3 साल हो सकता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एसआईएफसी एपिक्स कमेटी में खिताब, कहा कौम के लिए बहुत बड़ा पैगाम है कि मुल्की तरक्की के लिए हम सब इकट्ठे हैं। एसआईएफसी बनाने में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कलीदी किरदार है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा नैब के हवाले से जो कुछ है सबके सामने है। सुर्ख फीता हमारे पाँव की जंजीर बन चुका है। माजी में ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जाते थे, वो सारे धंधे बंद हो गए। डोनाल्ड लू के बयान पर असद मजीद को अपना मौकिफ देना चाहिए। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का मुतालबा, कहा बानी पीटीआई जेल से बाहर आए तो वो किसी डील के नतीजे में नहीं होगा। बानी ने कहा है ये हुकूमत 5 माह से ज्यादा नहीं चलेगी। न्यूक्लियर एनर्जी माहौलियाती तब्दीली के मसाइल से निपटने का बेहतरीन जरिया है। हमें साफ और सस्ती तवानाई की जरूरत है। वजीर खारजा इसहाक डार का ब्रसल्स में जौहरी तवानाई सरबराही इजलास से खिताब, कहा 1960 की दहाई से पाकिस्तान न्यूक्लियर एनर्जी का तजुर्बा रखता है। माहौल दोस्त जौहर तवानाई मुस्तकबिल के लिए काबिल अमल हल पेश करती है। लाहौर के इलाके नवाकोट में कैनेडियन शहरी की मुबैना कातिल बीवी निकली। मुलजिमा ने इतराफ़े जुर्म भी कर लिया। पुलिस के मुताबिक खातून अपने बचपन के दोस्त से शादी करना चाहती थी, उसके साथ मिलकर शौहर के कत्ल का मंसूबा बनाया। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफायर्स में उर्दन का शानदार खेल, पाकिस्तान को 3-0 से हरा दिया। मुसा अल-तिमारी मैन ऑफ द मैच करार। दोनों टीमों के दरमियान दूसरा मैच 26 मार्च को उर्दन में होगा।